देखिए भाई, जितने भी बच्चे जो आर्मी पेपर पास कर लिए हैं, अब उनका होने वाला रनिंग टेस्ट, उसके साथ ही होगा फिजिकल में हाइट मेजरमेंट। तो हाइट आर्मी के लिए आपकी चाहिए 170 सेंटीमीटर। किसी भी कैटेगरी को किसी भी प्रकार की हाइट में छूट नहीं होती है। तो जितने भी बच्चे जब आर्मी रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिए आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, उससे कम नहीं। आइए भाई, क्या नाम है प्रभु? गौरव। गौरव नहीं, गौरव। गौरव नहीं, बोल गौरव। गौरव। फिर वही गौरव। गौरव। अरे गौरव। गौरव। गौरव नहीं है, गौरव। गौरव। हाँ, गौरव मिश्रा। कहाँ का रहने वाला मिश्रा? बिहार से। जब भी खड़े होते हैं ऐसे खड़ा नहीं होना है, पूरा दादा बन रखा है भाई। पहले पैर मिलाना है इस प्रकार से, और आगे से 6 इंची खोलना पैर को। मिला एडी? हाँ, एडी मिलाना है, पूरा सीधा, गर्दन सीधी, और ऊपर नहीं देखना है, ऐसे देखना है इस साइड, बिल्कुल आंखों की पैरेलल देखना, जहां पर आपकी आंखें बिल्कुल स्थायी रहे वहां पर देखना है। और अब आ गया, ये बिल्कुल 170 सेंटीमीटर के टच होता है, ये नीचे ऊपर है, इसका मतलब पास है। निकल जा भाई, आ जा। नेक्स्ट, क्या नाम है? धीरज कुमार। पहले एडी मिला, पैर टाइट, सीधा खड़ा हो जा, ऊपर नहीं देखना है डंडे को, ऐसे नहीं देखना डंडे को, क्योंकि डंडे को देखोगे ना तो हाइट कम हो जाएगी। सबसे शरीर का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये तलवा सर का, ये सबसे ऊपर रहता है। कुछ लोग ऊपर देखने चक्कर में इसको नीचे कर लेते हैं, तो जिनकी बराबर 170 सेंटीमीटर हाइट होती है और फिर फेल हो जाते हैं। एक ही बार मौका मिलेगा आपको चेक कराने का, सीधा करा जा। गर्दन हमेशा यहाँ से टाइट रखनी है, बिल्कुल सामने देखना अगले के चेस्ट के बराबर, इसके टच हो रहा है। कहाँ का रहने वाला भाई? बिहार का। बिहार में? लखीसराय। लखीसराय। ये एवएसएसजीडी का पेपर पास है, कितने नंबर है? 118.25 आने वाला है, 118.25 नक्सल एरिया से। जी जी, आ जा भाई। हाँ, आते जाओ, आगे बढ़ते जाओ साथ में। क्या नाम है भाई? नितिन भार्गव। नितिन भार्गव। ऊपर नहीं देखना डंडे को। कहाँ का रहने वाला भार्गव? जयपुर का। सांस कम कर यहाँ पर। हाँ, कम कर, कम कर, कम कर, कम कर। सांस भरने से हाइट नहीं बढ़ जाएगी, सीना फूलेगा। कहाँ का रहने वाला है? जयपुर का। जयपुर का। कितने दिन हो गए भाई अकेडमी में? 1 महीने से ज्यादा हो गए। 1 महीने में इतना एक्सपीरियंस हो गया कि पूरे बाल सफेद हो गए, इतना टेंशन? टेंशन नहीं है सर, पहले से ही है। नहीं हाँ, बाल पहले से ही सफेद है। अच्छा, बाल पहले से सफेद है, मैं सोचा टेंशन नहीं है, सामने देखना है। चल भाई, हो गया काम, आ जा। नेक्स्ट, क्या नाम है भाई? कपिल देव। कपिल देव, आर्मी पेपर पास है? नहीं नहीं है। जीडी तैयारी कर रहा है। अच्छा, ऐसे जीडी की तैयारी कर रहा है। रनिंग इसकी बहुत अच्छी है भाई, अभी लास्ट रनिंग में भी फर्स्ट आया था ये, और इसके 500 रुपये भी बाकी है उस दिन के। अरे चेंज भाई, 500 रुपये लेके आओ गले से, इसको उस दिन इनाम देना भूल गया था भाई मैं, 500 रुपये लेके आओ। ए, ये आया था ना फर्स्ट, 1600 मीटर में भी यही था शायद, और 5 किलोमीटर में भी यही था, तो इसके 500 रुपये उस दिन का मेरे दिमाग में था, लेकिन मैं भूल गया। क्या नाम है? कपिल देव। कपिल देव आ गया थोड़ा सा। हाँ, कहाँ का रहने वाला कपिल देव? नीम का थाना। कितने दिन हो गए भाई अकेडमी में? 2 महीने। इसको नीचे कर, सांस नहीं भरना अंदर, नॉर्मल रहे, ये टाइट रखनी है गर्दन। ए, इसके कपिल देव के लिए ताली दो भाई। इसने लास्ट रनिंग में भाई 5 किलोमीटर और 1600 मीटर दोनों में फर्स्ट बाजी मारी थी, उसके लिए नाम है भाई। चल आ जा, दौड़ गए। क्या नाम भाई? अनिल कुमार। अनिल कुमार नायक। पैर मिला अनिल कुमार नायक। कहाँ का रहने वाला है? डीडवाना के पास। डीडवाना के पास। पास कहाँ? फोगड़ी गांव। फोगड़ी गांव, थोड़ा आ गया है, ऊपर नहीं देखना है, आ गया, थोड़ा आगे सरक। ए, कौन है ये? अनिल नायक। कितने दिन हो गए भाई अकेडमी में? 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। और आर्मी पेपर? आर्मी पेपर क्लियर है सर। क्लियर है। फिजिकल? फिजिकल भी डन। देखे पैर मिला देंगे, और हाइट भी भाई इसकी बराबर है, और पीछे घूम देखे एक बार, घूम जा। बाकी भी इसका सही सिस्टम ही लग रहा है, थोड़े शरीर में गर्मी की वजह से इसके फुंसियाँ टाइप की हो रखी है बॉडी के, तो ये कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है। निकल जा भाई अनिल नायक, आ जा भाई।